नमस्ते बच्चों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। बच्चों, मैं हिंदी डिक्टेशन बोल रही हूँ, आप लोग प्रैक्टिस कीजिए शुरू से अंत तक। लिखें, बीच में ना रोकें, क्योंकि न्यूज़पेपर की है और न्यूज़पेपर की थोड़े शब्द थोड़ा कठिन होते हैं। यदि आप न्यूज़पेपर की लिखना सीख गए तो आप लोगों की स्पीड अच्छी बन जाएगी, इसलिए आप हमारे साथ बराबर क्लास लेते रहें। स्टार्ट। इस समय राष्ट्र संकट में है और हमें इस संकट का सामना करना है। देश में प्रत्येक कार्मिक संघों ने एक होकर इस संकट का मुकाबला किया है। राष्ट्र को भारी शरणार्थी समस्या का समाधान करना पड़ा है। सभा में प्रत्येक सदस्य को इस मंत्रालय के महान कार्य की प्रशंसा करनी चाहिए कि उन्होंने किस प्रकार जटिल स्थिति को सुलझाया है। हमारी प्रधानमंत्री और श्रम मंत्री ने कार्मिक संघों में एक प्रकार की सर्वसम्मति लाने का प्रयास किया है, जिससे औद्योगिक संबंधों में सुधार हो तथा उन्हें मान्यता प्राप्त हो सके। श्रम मंत्री ने यह धमकी भी दी थी कि यदि ऐसा फार्मूला नहीं निकाला गया तो वे कार्मिक संघों पर दबाव डालने के लिए कानून बनाएंगे। यह प्रसन्नता का विषय है कि तीनों राष्ट्रीय कार्मिक संघों ने आपस में मिलकर एक फार्मूला निकाला है। यह निश्चय ही एक सुधार है। संसदीय तथा राज्य विधानसभा के चुनावों के निर्णयों से पता चलता है कि जनता ने वामपंथी उग्रवाद को अस्वीकार कर दिया है। श्रमजीवी वर्ग के अधिकारों का आदर किया जाना चाहिए। कार्मिक संघों को मान्यता देने की कसौटी बनाते समय इस राष्ट्रीय निर्णय को ध्यान में रखा जाना चाहिए। कार्मिक संघों को श्रमजीवी वर्ग की आशाओं के अनुसार कार्य करने को वचनबद्ध होना चाहिए। जो कार्मिक संघ श्रमजीवी वर्ग की आशाओं के अनुरूप कार्य नहीं करता है, उसे मान्यता नहीं दी जानी चाहिए। आज हमें श्रमिकों के प्रति अपना दृष्टिकोण बदलना चाहिए। श्रम मंत्रालय को जो ब्रिटिश प्रशासन के समय से चलते आ रहे हैं, कार्य केवल औद्योगिक क्षेत्र में कानून तथा व्यवस्था लागू करना है। उसका कार्य श्रमिकों से अपना कार्य कराना है, परंतु अब राज्य समाजवाद लाने के लिए कटिबद्ध है। समाजवाद में श्रमिक का स्थान पूंजीपति की अपेक्षा सर्वोपरि रहता है। आपको डिक्टेशन अच्छी लगे तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें। दैट्स ऑल।